ओनली एलएचएस और आरएचएस साइड। देन वी कैन यूज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे कैबिन है, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, इन अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मुझे इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितना है ऐसे, अमोनियम बाइसल्फाइड, ये सॉलिड है, ठीक है। सो अमोनियम बाइसल्फाइड इज अ सॉलिड, इज एन इक्विलिब्रियम विथ अमोनिया गैस और H2S गैस, इसमें H2S गैस भी है, सो दिस इज H2S गैस। सो इन अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस इज गिवन टू अस द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट इज सपोज अपन को गिवन है 6 atmosphere, कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन, केपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें टेम्परेचर वगैरह भी गिवन होगा और भी बहुत सारी चीजें गिवन हो सकती हैं, लेकिन अपन को यूज क्या करना है, इतने से अपना केपी आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे केपी आ जाएगा। कौन है ये, कौन था भाई, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे सपोज कर लेते हैं अपने पास गिवन है, उसको हटा दिया, वोटिंग रूम में डाल दिया मैंने उसको, और मीटिंग भी लॉक कर दिया। ऐसे गड़बड़ करेगा तो क्या करेंगे अगर भाई, या तो वो गाने सुन रहा था, है ना, पक्का गाने सुन रहा होगा, इसलिए ना कुछ कुछ बीच में बोलते रहना चाहिए तुम लोगों से, मुझे पूछते रहना चाहिए। वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं अपने, नेक्स्ट वीक से हो ही जाएगा शायद ऑफलाइन क्लासेस शुरू, यस सर, है ना, नेक्स्ट वीक से। इस बार संडे को देखा था ना तुम लोगों ने क्लास में, सर, तो फिर आपका ट्रायल क्लास नहीं होगा क्या? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, चलो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। अभी बराबर है सर, अभी ठीक है, हाँ इस वीक में थोड़ा नहीं, अभी कुछ लोगों को बराबर आ रही होगी जो हेडफोन लगा रखे होंगे। इस वीक में एक्चुअली मैं मतलब पेरेंट्स के घर आ गया इस वीक के लिए, तो इसलिए अपन इस पे पढ़ रहे हैं टैप पेन टैप पे, वरना बोर्ड पे ही पढ़ते, तो थोड़ा इस वीक अपन मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वीक से फिर मैं अपना वही बोर्ड पे आ जाऊंगा, वैसे तो ऑफलाइन ही कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीक से, चलो देखते हैं अपने। सर आपका भी सैटरडे संडे को ट्रायल क्लास होगा, इस बार सैटरडे संडे शायद मैं नहीं हूं सर, हाँ
बिकॉज एडीएस सर का ट्रायल क्लास सैटरडे संडे। हाँ एडीएस सर का होगा लेकिन इस बार सैटरडे संडे में मुंबई मतलब आउट ऑफ स्टेशन हूँ ना, मुंबई में नहीं हूँ एक्चुअली। ओके सर, तो संडे को इवनिंग आऊंगा मैं, तो मंडे से मोस्ट प्रोबेबली अपना क्लासेस शुरू हो जाएगा। सैटरडे संडे तो पक्का होगा, फिर ऑफलाइन फिर क्लास ही लिया करेंगे यार। मॉर्निंग में टेस्ट कर लेंगे टेस्ट। नहीं क्लास ही कर देंगे ऑफलाइन। ओके सर। और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे ना उसमें फिजिकली क्लास में, उनके लिए मतलब ड्यूअल होगा, मतलब ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन देखेंगे। सर होगा क्या ड्यूअल? हाँ ड्यूअल ऑब्वियसली बात है, फिर वरना कैसे होगा? सर जो दूर रहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट रहेगा क्या? हाँ वो ड्यूअल रहेगा ना, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्टर लगा रहे हैं ना एक्चुअली, उसमें प्रोजेक्टर से भी कर सकते हैं। हाँ मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट ऑफलाइन के लिए पेरेंट्स को कंसर्न देना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है हम मतलब अपने बच्चे को भेज रहे हैं। सर ग्रुप पे आया है। ठीक है सर, मतलब सब ब्रांचेस के बच्चों को भेज देना, चर्चगेट वालों को भी ना? हाँ ओके, क्योंकि चर्चगेट में भी शायद मतलब हम लोगों ने कहा है जैन वालों से बोला है अगर वो परमिशन दे देते हैं तो अपन उनको भी करेंगे, क्योंकि एक बात है ना कि हमें परमिशन मिल जाए बस, सब कुछ फॉलो अप होता है वहां, तो ज्यादा मतलब फॉलो अप होगा भैया, होमवर्क वगैरह फिर तो सामने ही देखना होता है। देखेंगे अपन कुछ ना कुछ चेक करेंगे ना क्या होगा। ठीक है ना, चलो अभी पढ़ते हैं अपन। ठीक है तो आगे पढ़ते हैं अपन, देखते हैं एक मिनट है चेक कर लेते। चलो शुरू करते हैं अब ना, जैसे अपन मतलब बात कर रहे थे अभी अपन पढ़ लेते हैं उसको, अपन को भी ले लेते हैं उसमें, हमें लगता है वो तो ठीक है। क्योंकि अपन ने पढ़ा तो नहीं अभी लेकिन उसको ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं आगे। अपन क्या करेंगे कि इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन अपन को ये गिवन है, तो जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन होता है अपन को पता है सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखो सर, और इक्विलिब्रियम में अपने पास अमोनिया गैस है और H2S गैस है, ये सॉलिड है। अब देख ये दोनों गैसेस हैं और वो एक ही तरफ है ऑन RHS साइड, मतलब गैसेस तो हैं लेकिन सिर्फ RHS साइड पे, तो ऑब्वियसली बात है एक तरीके से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सॉलिड का कोई रोल तो होता नहीं है, मतलब वेसल के अंदर दो गैसेस हैं और दोनों के इक्वल मोल्स हैं। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर दोनों गैसेस हैं और एक ही तरफ हैं तो हमें एक बात पता है इसके डिकम्पोजिशन से जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, मतलब अगर इसका पार्शियल प्रेशर पी है तो इसका भी पार्शियल प्रेशर पी होगा, तो टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए? अपन कहेंगे 2p, तो p का वैल्यू कितना आएगा? तो 2p तो अपन को गिवन है, एक ही तरफ है ना गैसेस, इनको किसी के साथ इक्विलिब्रियम तो रिएक्ट कर बनाना नहीं है, ना ही ये रिएक्ट करेंगे आपस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो इनके कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होंगे और प्रेशर भी कॉन्स्टेंट होगा, तो जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर इसका होगा, और टोटल प्रेशर इस वेसल का अपन को गिवन है 6p। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं सिंस गैसेस आर प्रेजेंट only on LHS side, right hand side, not LHS, RHS side. So, P total will be equal to partial pressure of NH3
partial pressure pitch to us. So this will be equal. Therefore, I can write that. कि भाई दोनों का प्रेशर कितना है 6 हो गया तो अपन क्या करो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लो. पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय P2. कितना आ जाएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन. इसका भी 1 मोल है इसका भी 1 मोल है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं तो 3 आ गया. बिल्कुल ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर लूंगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. तो अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू टोटल प्रेशर. इधर भी यही आ जाएगा तो अपन कहेंगे इसका मोल फ्रैक्शन हाँ तो इसका भी 1 मोल है और टोटल मोल्स 2 डाल्टन्स लॉ से. दैट इज डाल्टन्स लॉ. तो फिर वी कैन कैलकुलेट Kp ऑफ द रिएक्शन. So Kp will be equal to partial pressure of NH3 into partial pressure of H2S. मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इसका भी partial pressure 3 है इसका भी partial pressure 3 है 9 atmosphere square is the partial pressure. एक और example. The total pressure in the vessel. In the vessel is suppose कर लेते हैं इस बार अपन से 12 atmosphere लेते हैं. When ammonium carbamate decomposes, when the solid decomposes, अपन solid ले लेते हैं solid decomposes. तो अमोनियम कार्बोमेट होता है सॉलिड NH4CO NH2 दिस इज अ सॉलिड. इसको अपन डिकम्पोज करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ NH3 आएगा ये गैस है प्लस CO2 बनेगा ये भी गैस है. कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन. कैलकुलेट केपी ऑफ तो केपी कैलकुलेट करने के लिए ठीक है केपी कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट. अब अगेन एक ही तरफ गैस हो जाना इधर एक ही तरफ गैस हो जाना गैसेस ओनली ऑन एलएचएस साइड. मैं इसको रिवर्स भी लिख सकता था तो एलएचएस साइड पे ही आ जाते गैसेस राइट हैंड साइड पे सॉलिड गैसेस ओनली एट RHS. तो अपन कहेंगे ठीक है फिर तो मैं वही कंसेप्ट वापस यूज कर सकता हूं. क्या करेंगे अपन आंसर लिखते हैं. अमोनियम कार्बोमेट गिवन था अपन का NH2 लिख लेते हैं अपन ये सॉलिड है इक्विलिब्रियम बनाते हैं और ट्वाइस ऑफ NH3 लिख लेते हैं प्लस CO3 ये भी गैस है ये भी गैस है ये सॉलिड है. अपन कहेंगे ये तो सॉलिड है ना जब ये डिकम्पोज होगा तो जितना मोल्स इसका बनेगा उसका हाफ मोल्स इसका बनेगा ये 2:1 का रेशियो है ना मोल्स का. तो फिर तो इसका प्रेशर रेशियो भी इसी रेशियो में होना चाहिए टोटल प्रेशर. इसका प्रेशर अगर 2p होगा तो इसका प्रेशर p होगा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय p टोटल. मोल फ्रैक्शन कितना है 2/3 एक ही तरफ है ना मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इज दिस सो 2/3 इनटू 12 दैट इज इक्वल टू 8 एटमॉस्फेयर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ दिस इज मल्टीप्लाई बाय P टोटल सो इट इज इक्वल टू 1/3 इनटू 12 4 एटमॉस्फेयर. Therefore, I can write that Kp of the reaction is partial pressure of NH3 to the power of 2 into partial pressure of CO2. Op, power of 2. और सीधा सीधा प्रेशर लिखते हैं अपन को 2p लिखने की क्या जरूरत है अपने पास 8 एटमॉस्फेयर गिवन था 8 स्क्वायर लिखता हूँ
multiply by 4, so we got that 64 into 4. That will be the answer. Atmosphere cube. Yeah. तो ठीक है, अब अपन कहेंगे सर अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, आप एक बार लिख लो, मैं दूसरे पेज पे चलता है, तो लिख लो फिर दूसरे पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो NH3 पे स्क्वायर, वो तो बेटा अपन वो करते हैं ना, KP लिखते हैं ना, KP इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर ऑफ 2 है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टू द पावर ऑफ उसका मोलर कोफिशिएंट, तो वो तो मोलर कोफिशिएंट की वजह से किया अपन ने। वो तो करने मोलर कोफिशिएंट की वजह से किया, ठीक है ना, वो तो मोलर कोफिशिएंट की वजह से अपन ने स्क्वायर किया ना उसको, बिकॉज़ ऑफ द मोलर कोफिशिएंट। किसी को डाउट है तो बोलो, एवरीबॉडी गॉट इट। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चले, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल 3। अपन कहेंगे सर मतलब अगर मेरे पास मान लो एक तरफ गैस है और दूसरी तरफ भी गैस है और एक तरफ सॉलिड भी है, इसको मैं CO2 लेता हूं है ना, इसको मैं CO2 लेता हूं, ये गैस है, एंड इस इक्वेशन में इन दिस रिएक्शन इफ P टोटल इज इक्वल टू 12 एटमॉस्फेयर, तो why can't we write, partial pressure of CO2 is equal to 1/3 into 12 and partial pressure of CO is equal to 2/3 into 12, ये क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड में है, बिल्कुल, because their partial pressure depends, प्रेशर विल डिपेंड है ना ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन अपने जैसे if kp for reactions मान लो 10 की पावर अपन को गिवन है -3, then we'll say that kp तो बहुत छोटा है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत आगे की डायरेक्शन में बहुत कम गया, partial pressure of CO2 is very very large as compared to partial pressure of CO2, and if KP is large, then I will say that partial pressure of CO2 is very very less as compared to partial pressure of CO2. So it depends on the KP, क्योंकि अलग अलग साइड है ना भाई, दोनों में से किसका प्रेशर क्या होगा ये हम थोड़ी बता सकते हैं, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई अच्छा इसका इनिशियली 1 मोल था, अगर इसका x मोल रिएक्टर केयर करेगा तो इसका 2x होगा, तो 2x 1x के बराबर थोड़ी हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा केपी कितना है रिएक्शन का, हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे ना कि इसका प्रेशर इसके प्रेशर से डबल होगा, ये प्रेशर डबल होगा इसके प्रेशर से, कुछ भी हो सकता है, वो तो केपी पे डिपेंड करेगा। अब केस 4 की बात करते हैं, किसी को कोई डाउट है,
सर वो केपी ग्रेटर देन 10 की पावर 3 होगा ना, हाँ तो 10 की पावर 3 इक्वल टू भी लिखोगे तो भी चलेगा, टू भी होता तो भी मैं यही कर देता, इक्वल टू और ग्रेटर देन था ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो अपन को ऐसे क्या है केस 4 की बात, मैं डिकम्पोजिशन की बात फिर कर रहा हूँ, तो ये भी तो डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे सर, इसमें थोड़ा अलग डिकम्पोजिशन की बात करूंगा। मान ले मेरे पास CaCO3 है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास CaCO3 है सॉलिड और ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO, ये गैस है, इसका केपी मुझे भी बने 0.01 एटमॉस्फेयर, देन वी कैन से दैट केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये तो अपन लिख सकते हैं, सॉलिड तो लिखेंगे नहीं केपी में, स्पेशल में, so kp will be equal to partial pressure of CO2, अब partial pressure of CO2 अपन को 10 की पावर माइनस 2 देता है, अब हम की बात करते हैं इसमें ना, suppose it is given to me, it is assumed that कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, ठीक है ओपन एटमॉस्फेयर, एंड द and the atmospheric content मतलब pressure की बात of CO2 is 1%, मतलब CO2 का percentage जो है वो 1% atmosphere में, well the decomposition of CO2, decomposition of calcium carbonate will take place in the atmosphere. Atmosphere में होगा, एक मिनट रुकना है, in the atmosphere. अपन पता क्या करेंगे, ठीक है यार अपन कहेंगे देखो सर हमें ये पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में है ना, अपन को ये पता है कि अगर अपन CaCO3 डिकम्पोज करेगा सॉलिड है, इक्विलिब्रियम है, CO सॉलिड है प्लस CO2 है, ये गैस, अपन कहेंगे देखो अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैक बढ़ जाएगा और इसका प्रेशर कम होगा तो ये फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन किससे कंपेयर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ मेंशन नहीं है तो अपन 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं हमेशा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर आपने 1% दे रखा है, तो 1 एटमॉस्फेयर इनटू 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 एटमॉस्फेयर, ये तो एग्जैक्टली वही आ गया जो अपन को चाहिए था,
समझ में आया परसेंट का साइन हटाएंगे yes, ठीक है yes, sir. तो अपन क्या करेंगे ये 10 के पार माइनस 2 ही आ गया अपने पास तो अपन कहेंगे नो देयरफॉर QC will be QP है QP will reaction quotient partial pressure of CO2 is 10 के पार माइनस 2 कोई partial pressure of CO2 in the atmosphere कितना है 1% वो भी 10 के पार माइनस 2 atmosphere है therefore the reaction will remain in equilibrium तो अपन reaction को equilibrium maintain कर लेंगे अब अपन क्या करेंगे आपने हमसे पूछा था अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा अपन ने पूछा था कि अगर मैं सॉलिड CaCO3 को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देता तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा क्या तो अपन कहेंगे होगा क्यों होगा क्योंकि जब आप सॉलिड रखोगे तो इसका प्रेशर थोड़ी सी रहा होगा एटमॉस्फेयर में रहा होगा क्या नहीं हाँ पहले से रहा होगा क्योंकि आप ये एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं ना एटमॉस्फेयर में 1% है अपने आगे तो पढ़ो अगर एटमॉस्फेयर में 1% है तो ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में 1% है तो CaCO3 डिकम्पोज नहीं हो सकता क्योंकि डिकम्पोज होगा तो CO2 का प्रेशर बढ़ेगा जो कि बढ़ नहीं सकता भाई पहले से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया ना मतलब CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इसके ऊपर पहले से कितना प्रेशर लगा रहा है इतना प्रेशर क्योंकि अपने पास QC का वैल्यू आ रहा है यहां से आप कंपेयर करोगे ना यहां तो QC will remain in equilibrium since QP is equal to QC मतलब QP is equal to KP so no decomposition वहां decomposition नहीं there will be no decomposition तो वहां decomposition नहीं होगा सर QP क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन ये अपन लास्ट टाइम पढ़ा ना रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी जैसे होता है वो कंसंट्रेशन टर्म के लिए होता है केसी के लिए और क्यूपी होता है अपने लिए प्रेशर टर्म के लिए ये अपन लास्ट टाइम पढ़ा रिएक्शन क्वेश्चन मतलब केपी के लिए क्यूपी है केपी के लिए क्यूपी है और केसी के लिए क्यूसी होता है ठीक है बिल्कुल सबको समझ में आया क्यूपी क्या है तो yes, अब सीधी सीधी बात थी यार कि मान लो मेरे पास ये गिवन है ये कैल्शियम कार्बोनेट है अब इस पे CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना वो पहले से 0.01 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है ना 0.01 एटमॉस्फेयर तो फिर इसका डिकम्पोजिशन तभी होता इसका डिकम्पोजिशन तब हो जाता अगर इसका पार्शियल प्रेशर अगर जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो कम होता राइट ना इसके पार्शियल प्रेशर से केपी से तो फिर अपन क्या देते वो अपन को पता है क्यूपी और केसी कैसे कन्वर्ट तो सीधी सी बात है इसका अपन को पता चल गया कि भाई यहां तो डिकम्पोजिशन नहीं होने वाला अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लूंगा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूं अब डिकम्पोजिशन का मतलब है कि भाई अगर बाहर प्रेशर इसका एटमोस्फियर में ज्यादा है केपी एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो इसको प्रेस करके वापस भेज देगा और एटमॉस्फेयर में अगर इसका प्रेशर कम है तो फॉरवर्ड चला जाएगा तो डिकम्पोजिशन मेटल ऑक्साइड तो हमें CO2 का प्रेशर कम ही चाहिए ना डिकम्पोजिशन के लिए अगर कम होता तो फॉरवर्ड जाता लेकिन यहाँ तो प्रेशर उतना ही आ रहा है जितना ये केपी जितना है ना वो उतना ही है ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कंपेयर किया ना आपने तो इधर बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है मतलब क्यूपी और केसी जितना उसका पार्शियल प्रेशर होता है उतना ही एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है
तो फिर डिकम्पोज कैसे हो पाएगा, क्योंकि फिर एटमोसफेयर में प्रेशर थोड़ी बढ़ा पाएगा, एटमोसफेयर में ऑलरेडी उतना प्रेशर है 0.01। सर अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी के थीम से, लेकिन थोड़ा चेंज करूंगा। अब CO2 सर डोमेन कॉपी करने कर ले, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सर हो गया, चल ठीक है। वन परसेंट कैसे आया, ये 1% तो गिवन था ना अपन को, ये एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ CO2 इज 1% गिवन टू अस। ये गिवन था अपन, ठीक है। अब भाई इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन जो लिखूंगा उसमें बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए। इसमें एग्जाम में पता चला कि प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10^-2 है, ये वाला, ये तो अपन को गिवन था ना। देख भाई एटमॉस्फेयर में अपन को गिवन है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है, सभी का प्रेशर मिला के एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओपन एटमॉस्फेयर में रखा ना, और इन सब में 1% होता है CO2 का अपना प्रेशर, तो टोटल प्रेशर का कितना ले लें, 1% ले लिया मैंने, ये गिवन था अपन को क्वेश्चन, डन। पर तो अगर 2% होता कार्बन डाइऑक्साइड तो भी नहीं होता ना रिएक्शन, नहीं अगर 2% होता तो ये 2 हो जाता, ये 2 हो जाता, फिर 2×10^-2 होता, फिर QP बड़ा हो जाता 2×10^-2, और अगर QP बड़ा होता KP से तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाता, फॉरवर्ड नहीं जाता, फिर भी मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाता फिर भी नहीं जाता। सब रिएक्शन होता ही नहीं ना, हाँ वही अभी भी तो नहीं हो रहा, तो रिएक्शन पहले अभी भी नहीं हो रहा, पहले भी बाद में भी नहीं होता, अगर 2% होता तो 1% से ज्यादा है या 1% है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1% रिएक्शन नहीं होने वाला, 1% से कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। सोच लिया, समझ में आया? यस सर। चल मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। मतलब अपन ने क्या किया, हमने आपको ये बताया, मैं एक बार मतलब इधर देख लेते हैं, तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड रखा था, अपन चाहते हैं इसका डिकम्पोजिशन हो, लेकिन एटमॉस्फेयर में पहले से CO2 था उतना ही जितना कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है, KP होता है, तो इसका मतलब है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज तो तब होता है ना जब प्रेशर बाहर कम होता है, तो ये बाहर और प्रेशर देके इक्विलिब्रियम अटेन करता है, लेकिन यहाँ तो पहले से ही उतना प्रेशर है जितना इसके डिकम्पोजिशन से KP आता है, इसका मतलब ये प्रेशर ऑफ CO2 पहले से उस सॉलिड पे लग रहा है, तो वो उसे डिकम्पोज नहीं होने देगा। समझ में आया? अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ उसमें, अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा। सपोज CuSO4 ब्लू विट्रियल है, डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन,
for the reaction. मैं इसको डिकम्पोज करूंगा. और ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है. ये सॉलिड है CuSO4.3H2O. ये भी सॉलिड है और ये ट्वाइस ऑफ H2O बना. सर आपने डिकम्पोज के बाद क्या लिया? डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. यार लिखो और चलेगा ना. और केपी मुझे गिवन है इसका 10^-2 ही एटमॉस्फेयर. थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, कम ले लेता हूँ. 2×10^-3 एटमॉस्फेयर. मेरी मर्जी, ऐसे ले लेता हूँ. कुछ भी ले लेगा क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है. ये ले लिया भाई मैंने. थोड़ा और कम लेते तो ज्यादा अच्छा रहता ना. अच्छा लेकिन इजी रखो यार सर, इजी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलो 4 कर देता हूँ. अब जो यहां से यहां कन्वर्जन होता है ना, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अपन सबको पता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है. The property of crystalline solid to lose water molecule is called efflorescence. And the property of molecule to absorb the water molecule to form a crystalline compound is called Delhi sequence. Sir, यहाँ पे क्या लिखा है? ये property होती है. मैंने ये मतलब ये word कभी जैसे होता है ना allotropy. पढ़ा ये word कभी? हाँ sir पढ़ा है. है ना? तो एलोट्रोपी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर. प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर. सर आपने एफ्लोरेंस और ये सब क्या लिखा? एफ्लोरेंस एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं एफ्लोरेंस. तो डेलिक्विशन से उसका उल्टा होगा ना. बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं. ये बना ना एरो इस तरफ वाले प्रोसेस को भाई देख. अब शायद मुझे कभी ऐसा मौका ना मिले जब मैं आपको एफ्लोरेसेंस और डेली सीक्वेंस वर्ड का मीनिंग समझा पाऊं या वर्ड बता पाऊं. तो अभी बता दो ना, क्वेश्चन में बता रहे हो तो इसलिए मैंने वो वर्ड बोल दिया. वरना नहीं बोलता क्या फर्क पड़ता है ना. एफ्लोरेसेंस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेली सीक्वेंस. अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो. ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं. तो मैं इसको लिखूंगा कैलकुलेट दैट कैलकुलेट की जगह ऐसे लिखता हूं. विल द कॉपर सल्फेट शो एफ्लोरेसेंस इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर in atmosphere is of atmosphere is sixty
mm of H. And 50 mm of HG, consider the percentage of humidity. Is क्या तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हो अज्यूमिंग 50% ह्यूमिडिटी? मैं आंसर लिखने वाला हूं. अगर 60 mm Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? नहीं, वाटर का प्रेशर है 60 इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वाटर का प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर मतलब 760 में से 60 वाटर का प्रेशर है अगर 100% ह्यूमिडिटी होता है. लेकिन 50% ह्यूमिडिटी है तो 30 हो जाएगा. तो ये पढ़ा था ना अपने डाल्टन में, डाल्टन लॉ में. अब भाई देखो, जो पढ़ा दिया उसको तो यूज करना ही पड़ेगा ना. जो पढ़ाया है उसको यूज करूंगा मैं, वरना सिंपल सा दे देता. अच्छा, वाटर का प्रेशर जो है वो सिर्फ 30 mm है, बताओ. तो अपन क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया. चलो भाई, क्यू के पी लिखा हुआ है इस रिएक्शन का, अगर क्यू पी लिखता तो ऐसे लिख लेता. ये लो मुझे, अरे सीओ टू क्यों लिखा मैंने. हाँ, इस रिएक्शन का क्यू पी लिखता, ये लो लिख दिया. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अगर मिल जाए तो मैं क्यू पी कैलकुलेट कर लूंगा, और क्यूपी और केसी को कंपेयर करके बता दूंगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड आएगा. तो इस कुछ था ही नहीं ना अगर मैं वाटर का प्रेशर सीधा दे देता. अगर मान लो ये ह्यूमिडिटी वाला चक्कर नहीं लिखते अपन, तो सीधा लिखा तो था अपन को. ये लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, अगर जो बड़ा होगा उससे अपना क्वेश्चन आ जाएगा. क्यूपी बड़ा है केसी से या केपी बड़ा है क्यूसी से, ये दोनों बराबर है तो अपन उसके हिसाब से क्वेश्चन. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपने क्या प्रॉब्लम कर दिया, ये पूरा प्रेशर नहीं किया आपने, आपने 50% ह्यूमिडिटी लिखा. तो पहले 60 का 50% लेंगे और फिर थर्ड उसका आंसर था क्या? यस सर. तो अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ले लेते हैं भाई, कितना है. तो 60 होता अगर 100% ह्यूमिडिटी होता. अगर आप 50% बोल रहे तो मुझे 50 लेना पड़ेगा. अगर आप 80% ह्यूमिडिटी बोलते, मैं 60 का 80% ले लेता. याद है ना अपन ने किया हुआ ऐसे. Yes, sir. 30. अब अपन इसको ना प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं. 30/760 कैंसिल हो गया. 1/ कितना आया अपने पास? 25.3. अच्छा 25.3 5.34. ठीक है यार, ये हो गया अपने पास. ये एटमॉस्फेयर आ गया. चल अपन इसमें एटमॉस्फेयर में लिख लेते हैं. अपन इसको ना एटमॉस्फेयर में लिख लेते हैं. क्यूपी क्यूपी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन. तो क्यूपी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो आ गया अपने पास. तो अब ये एटमॉस्फेयर में था ना, इसलिए मुझे इसको भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ा. क्या करूं, 25.34 into 1/25.3. बड़ा गंदा कैलकुलेशन आ रहा है यार. 3/76 / 3/76 वो ज्यादा अच्छा लगता. कितना आ रहा है ये यार, मुझे कैलकुलेटर यूज करने दो ना. किसी ने कैलकुलेट करके बता दिया था. अरे वाह यार, मतलब तूने
मैनुअली कैलकुलेट किया या मतलब मेरे जैसे कैलकुलेटर यूज किया? तुम लोग यूज नहीं कर सकते कैलकुलेटर? सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो भी कभी कभी, सिंस क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। अगर क्यूपी बड़ा होगा तो फिर मुझे रिएक्शन को कहाँ लेके जाना होगा? बैकवर्ड। रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू सर, तो एफ्लोरेसेंस की जो डेलिक्यूसेंस हो रहा है। बिल्कुल, फ्लोरेसेंस की जगह डेलिक्यूसेंस हो रहा है, ये हो जाएगा। समझ में आया? वो तो बड़ा इजी है, अपन का बस चेक करना होता है भाई यहाँ पर भी केपी क्या था। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर ऑफ 2 था। या तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O यहाँ कैलकुलेट कर लेता और यहाँ कैलकुलेट कर लेता, दोनों को कंपेयर कर देता डायरेक्टली, लेकिन बेटर होता है अपन ने क्यूपी और केसी पढ़ा हुआ है तो इनको कंपेयर कर लेंगे। तो वेपर मतलब हाँ वो गैसियस स्टेट होगा, वेपर मतलब गैसियस स्टेट, तभी तो अपन केपी में लिख पा रहे हैं वरना कैसे लिखेंगे। सब कुछ ठीक है ना, केपी बड़ा होता तो ऑब्वियस बात है फॉरवर्ड लेके जाना पड़ता अपन को, बिल्कुल बिल्कुल फॉरवर्ड लेके जाना पड़ता अगर केपी बड़ा होता, राइट। अब अपन मतलब चेक करते हैं नेक्स्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस अपन को मिलेंगे। नेक्स्ट एक चेक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो केस 5 ले लो। अब केसेस इतने ज्यादा होंगे कि अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन अपन लिमिटेड केसेस ही पढ़ेंगे। मतलब अपन लिमिटेड केस पढ़ लेते हैं भाई, अपन ने केस 4 पढ़ लिया, अब एक पढ़ते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन पढ़ चुके हैं, डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, अपन इस कॉन्सेप्ट को जनरली तब यूज करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज्ड, कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज्ड व्हेन वी आर गिवन द डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अपन को इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी गिवन होता है। वैसे अपन इसमें जो भी पढ़ेंगे ना, अपन ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिखूंगा वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट। हमें जो भी कर रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखो। मैं अभी बताऊंगा ये कैसे, बट इस इक्वेशन के लिए ही सारा कुछ बोल रहे हैं। देखते हैं अपन कैसे पढ़ेंगे। अगर मुझे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गिवन है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे मान लें अपने पास डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है, सॉलिड ये गैस ले लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, और ये इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, ट्वाइस ऑफ N2O4।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन होता है अपन का, तो मैंने आपको बताया था आप अपनी तरफ से वन मोल ले सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं। इनिशियली वन मोल है, ये जीरो है, ये एक्स है, ये वन माइनस एक्स है, मोल सेट इक्विलिब्रियम। अपन सबको पता है ये कैसे लिखते हैं मोल सेट इक्विलिब्रियम, अब इस पार्ट में जो अपन लिख रहे हैं ना, इस पार्ट में इनिशियल वेपर डेंसिटी, इनिशियल मतलब जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ, वेपर डेंसिटी इनिशियल का मतलब होता है इस वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। भाई जब डिसोसिएट हुआ ही नहीं तो आप तो वेपर डेंसिटी ऑफ ये पूछ रहे होगे क्या होगा, तो इसका वेपर डेंसिटी तो मैं बता दूंगा, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टू इनिशियल वेपर डेंसिटी। तो जिसका डिसोसिएशन करोगे मुझे तो पता चल जाएगा उसका वेपर डेंसिटी कितना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टू हो जाएगा। अब देखो अपन को यहां पर ये पता चल गया इसका मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन 28, 64, 92, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट मुझे चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स का मतलब होता है टोटल मोल्स, ये 2x, ये 2 मोल्स है, तो अपन लिखेंगे ये तो 1 प्लस x है और इनिशियल मोल्स ये होंगे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम तो टोटल मोल्स होते हैं और इनिशियल मोल्स ये होंगे। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे x मिल जाए, अगर मुझे x मिल जाए तो मैं kp kc जो मर्जी चाहे पूछ लूंगा, कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसलिए तो केस 5 पड़ा, ये कैसे आएगा। इनिशियल वेपर डेंसिटी तो अपन को दिख रहा है इसका कितना, इनिशियल वेपर डेंसिटी इसका मॉलिक्यूलर मास बाय टू, इनिशियल हो गया। इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी का मतलब है कि इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे उस केस के लिए वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइड बाय टू। अब मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि इसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर मास और इसके मोल्स के हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर मास, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए अपन को गिवन होता है प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, V is equal to W by MR, so PM is equal to DRT, so weight by volume को D लिख लिया मैंने, so molecular mass अगर मुझे density of equilibrium given है, जो कि आपने कहा कि इसलिए अपन इसको use करेंगे, अगर मुझे ये given है R temperature जिस पे equilibrium attained किया divided by pressure given है ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो टोटल प्रेशर बोलते हैं अपन कि इन सब का प्रेशर कितना होगा वो इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो ये मॉलिक्यूलर मास इक्विलिब्रियम का होगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो सीधा वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन हो, टेंपरेचर गिवन हो और पी गिवन हो, तो मुझे वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाएगा। अब एक तरीका तो वेपर डेंसिटी का ये होता है कैलकुलेट करने का, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है क्या, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मुझे मॉलिक्यूलर मास ही दे दो, भाई अगर दोनों मिक्सचर हैं
और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। The moles of all reactant and product. Are constant. Therefore, at equilibrium, the molecular weight will be the average molecular mass. Molecular weight of all the gases तो अपन कहेंगे अच्छा ये वैसे ही हो गया सर जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ये तो अपन ने ऐसे पहले पढ़ा हुआ है। दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज व्हाट एटॉमिक मासेस ऑफ द गैसेस, ये पहले अपन ने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा हुआ है, तो वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब है मैं मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ भाई, एवरेज ही तो कैलकुलेट करना है मुझे, या तो ये गिवन हो डेंसिटी इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, और अगर वो गिवन नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास या इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर वेट और एम एवरेज क्या करेंगे अपन, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू, ए ले लेते हैं एन टू ओ फाइव को, 92 ले लेते हैं, ये 92 मतलब मैं एन टू ओ फाइव के लिए लिख रहा हूं, कोई दूसरा होता तो उसके लिए लिखता into इसका मोल फ्रैक्शन मतलब इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मतलब 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस अब a2 इज द NO2 का मॉलिक्यूलर मास इज 28 और 32 46 into इसके मोल फ्रैक्शन कितना है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ये आ जाएगा अपने पास, पर ये आएगा तो अपने पास आ जाएगा जो भी आएगा अपने पास। Therefore, vapor density at equilibrium is molecular mass of equilibrium divided by 2 per 2. लेकिन problem ये है कि sir इसको calculate करने के लिए molecular mass of equilibrium मुझे x चाहिए, अब x calculate करने के लिए तो इतनी कहानी बना रहे, क्योंकि x आ जाएगा तो equilibrium constant आ जाएगा ना, तो average molecular mass calculate तो कर सकते हैं अपन इससे, क्योंकि ये तो सीख रखा है बनने पहले, लेकिन अगर x गिवन होगा तो ये सब करने की जरूरत क्या है अपन को, kp कैलकुलेट करना है या kc उसके लिए तो सब बना रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका अपने पास एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों पड़ा हुआ है बिल्कुल वही करने वाले हैं भाई, इस वेपर डेंसिटी को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं और x कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन इतना बड़ा इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा फिर काफी ज्यादा, अपन कैलकुलेशन को छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम है ना, अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अपन कर लेंगे बता देंगे। तो ये पार्ट अपन को पता है जिससे अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाले पार्ट में अगर मुझे गिवन होता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। इसका मतलब ये है अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहता हूँ छोटा सा, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में इसका इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर मास दे दूंगा, इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर मास दे दो बचा गया फिर एक साया जो मर्जी चाहे पूछ, और बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम दो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, पी वी इक्वल टू एनआरटी भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया बस। राइट,
सर तो जो वो m इक्विलिब्रियम है उसे 2 से डिवाइड करके vd इक्विलिब्रियम निकालेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर x अब ये आएगा इन टर्म्स ऑफ x, तो अपन को इधर इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर x का वैल्यू तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही अननोन टर्म है बाकी सब दोनों में। तो इस टाइप से अपन डिग्री ऑफ डिसीजन, नाउ हियर व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसीजन, वी नो दैट मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसीजन। अब इधर जो x आएगा वो डिग्री ऑफ डिसीजन है इस रिएक्शन के लिए। अब अपन यहां ऐसे कर लेते हैं, सपोज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, ये तो अलग पार्ट हो गया अपने, सपोज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन दैट द एवरेज मॉलिक्यूलर is suppose कर लेते हैं 172, then calculate is ये अपन को क्वेश्चन में अगर suppose given था, आवाज कम आ रही है क्या मेरी? Yes sir, no sir ठीक है, नहीं वो मतलब थोड़ी सी कम है, किसी ने हेडफोन लगा रखा होगा किसी ने नहीं लगा रखा होगा, बीच में आपका टोन कम हो जाता है। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा मतलब तेजी रखूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो अपन को केसी कैलकुलेट करना है और ये अपन का गिवन है, तो अपन क्या करेंगे इसमें केसी कैलकुलेट करने के लिए, अपन को ये गिवन है तो अपन लिख लेंगे भाई एवरेज मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो therefore vapor density at equilibrium state क्या हो जाएगा, molecular mass 76 divided by 2 हो जाएगा, ये अपन को given है, so 92 divided by 2 तो हो गया अपने पास कैसे 46 divided by ये अपने पास हो जाएगा कितना 36 is equal to 1 plus x, so 46 divided by 36 is 1 plus x, or we can write that that is x is equal to 46 minus 36 divided by 36 kitna aa gaya apne paas 10 by 36 ye x aa gaya apne paas, so we can calculate kc of the reaction is concentration of no2 to the power of 2 divided by concentration of n2o4, NO2 आया तो अपने पास 2x square आ गया और 2x square divided by 1 minus x आ जाएगा, ले भाई अपना आंसर आ गया, x का वैल्यू 10 by 36 है, so 2 into 10 by 36 तो the power of 2 divided by हो जाएगा अपने पास 1 minus 10 by 36, so that will be equal to ये 72, ये तो cancel कर देते हैं अपन, तो ये अपने पास आ गया कितना 18 ना 10 by 18, so 10 by 18 into 10 by 18 और यहाँ पर हो जाएगा कितना अपने पास 36 minus 10, so 36 divided by 26 कितना आएगा 26 ही तो आएगा, ठीक है yes. लो भाई ये अपन कैंसिल कर सकते हैं 2 times, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 9 ना, so 100 by 9 into 26 आ जाएगा, बाकी अपन कर लेंगे, so that will be almost equal to ये थोड़ा बड़ा है तो 4 by 9 मतलब 4 से थोड़ा छोटा होगा, तो 4 by 9 का मतलब वो थोड़ा छोटा आएगा, तो अपन बना लेंगे उसको, we got it, बोलो किसी को डाउट है तो, ये 45 by 36 ना 1 plus x कैसे आया, इससे 92 by 2 is the initial vapor density ना,
डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट ना, ये 92 बाय 2 था और ये कितना था गिवन अपन को 72 बाय 2। किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। दे दूं एक क्वेश्चन, तुम लोग करके दिखाओगे। अब कभी कभी पता क्या करेंगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, देख वन तो कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, पर इनिशियल मोल्स तो कांस्टेंट रहते ना ये वाले, तो अगर ये चेंज होंगे तो ये रेशियो चेंज होगा, इसलिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। वाई इक्वल टू सी इसको ले लेता हूँ और एम एक्स इसको देता हूँ, स्लोप वन हो गया, बाकी अपन बता दें, मतलब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं इस टाइप से। अपन ने क्वेश्चन में दे दिया कि सपोज सर पीछे वाला स्क्रीन देखो, ठीक है ये लो, बस जब हो जाए तो बता देना। सर हो गया, सपोज डी इज द वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट and D is the vapor density at initial state. Then which of the following graph is correct if X is the degree of dissociation. Of dissociation. मुझे ऐसे given है, ये option given है, D versus ये, P option given है, D versus X, C option given है, D versus X. And D option. D versus X. तो अपन कहेंगे we know that answer, अपन टेस्ट चेक कर लेते हैं, answer is we know equilibrium vapor density at initial state divided by vapor density at equilibrium state. इसमें for reaction भी लिख देता हूँ, degree for reaction. ऐसे कर लेते हैं, PCl5 dissociate to PCl3 plus Cl, ताकि आपको कोई problem ना हो, नहीं तो कहोगे सर ये 1 plus x कहाँ से आ गया, इसका 1 mole था, ये 0 0, ये x, ये x, ये 1 minus x, you know that total moles will be 1 plus x.
इनिशियल वेपर डेंसिटी अपन को डी गिवन है, तो डी डिवाइडेड बाय डी विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स. तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, डी बाय डी है ना माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स. एक्स को अपन ने एक्स एक्सिस पे ही ले रखा है और डी को वाई एक्सिस पे, मतलब डी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये वैल्यू भी छोटा होगा. तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को, अपन तो यही बता देंगे ये वाई एक्सिस पे ले रखा है अपने डी है ना. तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, तो अपन क्या करेंगे, d बढ़ेगा तो 1 प्लस एक्स छोटा होगा, d बढ़ेगा तो 1 प्लस एक्स छोटा होगा, d बढ़ेगा x भी बढ़ेगा, d बढ़ेगा x भी बढ़ेगा, d बढ़ेगा तो 1 प्लस एक्स छोटा होगा, मतलब x का वैल्यू छोटा होने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, d बढ़ेगा तो लेके जाना ही पड़ेगा उसको. x बढ़ेगा तो d छोटा होगा, ऐसे बोल देते हैं ना. हाँ, x और d इनवर्सली वाला राइट आ जाएगा ना, c वाला ही करेक्ट. यस सर, c आ जाएगा. ये बच्चा मतलब बस फॉर्मूले से आ गया ये. हाँ, फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट, तो जो भी गिवन हो उसमें अपन देख लेंगे और बता देंगे. तो मतलब ग्राफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस को, तो उनको करके बताने पड़ेंगे. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो इसमें अपन ने क्या किया था, एक्स बढ़ेगा देन डिग्री क्रीजेस, उससे अपन ने सॉल्व किया. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of SO3 if the vapor density at equilibrium. Molecular mass level, molecular weight of SO3 at equilibrium, not SO3, molecular mass weight of equilibrium reaction is 60 gram per mole according to reaction. Now for reaction given is SO3 hai, equilibrium maintain karega to SO2 plus H2O leta hai. तो बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना आंसर आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का. इनिशियल मोल्स अगर गिवन नहीं है तो अपन को 1 अस्यूम करना होता है. इफ इनिशियल मोल्स इज नॉट मेंशनड वी हैव टू अस्यूम 1. देखो भाई मेरे पास एक आंसर तो आया,
एट बाय नाइन, एक और आंसर है एट बाय नाइन। इनिशियल इज 8 बाय 80 बाय 2 ना, और ये 60 बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया x बाय 2 डिवाइड बाय 1। इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 2, 40 माइनस 30 मतलब 10 बाय 30, 10 बाय 30 इक्वल टू एक्सपेक्ट। देखो भाई किसी को सर वो 80 बाय 2 कैसे निकाला अपने, पीडीआई जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 ना, बिफोर डिसोसिएशन इज वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट। अच्छा ओके, मॉलिक्यूलर वेट इज 80। तो मैंने इसको 40 बाय 30 माइनस 1 किया, x by 2 लिया, 10 by 30 is equal to x by 2, sir 2 by 3 answer, तो answer अपना हो जाएगा x is equal to 2 by 3, yeah। अब बताओ किसी को doubt है तो, वो कह रहा है कि RHS में ना 1 प्लस 3x by 2 होगा, मतलब ऐसा अपने पास एक क्वेश्चन आया कि सर इसको जरा बताओ ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ये टोटल मोल्स लिखे हुए ना, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब इसके मोल्स और इसके मोल्स को ऐड कर लो, बोलो ठीक है, मतलब वी गॉट इट हाउ टू राइट द वेपर डेंसिटी थ्री एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब ना इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब मैं तुम्हें कितना भी पढ़ाता रहूं ना इसका कोई लिमिट सर, आप पर थोड़ा आवाज, अरे आज ना एक्चुअली मैं थका हुआ हूँ, मैं इधर पेरेंट्स के पास आया ना कल रात को, तो मतलब अभी सुबह तो रात भर मतलब जर्नी मतलब थक गया, इसलिए ऐसे हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तेज बोलूँ, इसलिए वो नींद भी पूरा ऐसे ही हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं मतलब उसको थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूँगा। अभी क्या बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि भाई इसमें कोई लिमिट नहीं है कि अपन कितना पढ़े, मतलब हर एक मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आते ही रहेगा ऐसे, बट नया कंसेप्ट अब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इसी में अपन कुछ कुछ पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं जैसे सपोज करते हैं कभी कभी ऐसे हो जाएगा भाई, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, डिग्री ऑफ डिस्टेंस रिलेटेड नहीं है, विल राइट दैट। सो फॉर इन अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, 1 मोल ऑफ SO3 एंड 1 मोल ऑफ SO2 आर मिक्स्ड एंड O2 आर मिक्स्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम मास, इक्विलिब्रियम एस twice of SO2 SO3 is in equilibrium with twice of SO2 plus O2, and the KP for reaction is 900. Calculate the equilibrium concentration. Equilibrium concentration for
each. Equilibrium concentration of each of the following. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा देख भाई आंसर के लिए आपने क्या कहा है कि SO3 को SO2 के साथ इक्विलिब्रियम बनाना है O2 के साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने इसका भी वन मोल लिया और इसका भी वन मोल लिया इनिशियल मोल्स, लेकिन इसके बगैर इक्विलिब्रियम थोड़ी हो सकता है, तो एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे अपन। अगर इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका 2x बनेगा और इसका x बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड तो जाना ही पड़ेगा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो 1 इनिशियली था, 2x रिएक्ट किया तो 1 माइनस 2x बच गया और ये 2x बन गया, और ये x तो पहले से 1 तो पहले से था, x और ऐड हो गया। इस रिएक्शन के लिए kp गिवन है अपन को, इस रिएक्शन के लिए kp गिवन है अपन को, वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो 1 लीटर ले लूंगा, लेकिन केपी तो होता है केसी इनटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। टोटल प्रेशर गिवन है तुमको, नहीं गिवन है। एट इक्विलिब्रियम एट सपोज करते हैं 500 केल्विन अपन को टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम होता है पता, ऐसे गिवन होता है 2x कैसे आया भाई देखना, twice of SO3 है, ये equilibrium में है, twice of SO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। Initially इसका वन मोल है, इसका वन मोल है। अब moles according to reaction लिखते ना अपन, इसका अगर 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। इनिशियली आपने 1 ऐड किया था, 2x रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस 2x बच गया, ये पहले से 0 था तो अभी 2x बन गया, ये पहले से 1 था और x बन गया तो अब कितना हो गया, प्लस x हो गया। तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें केसी लिख देते हैं। केसी क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू 2x का स्क्वायर। देखना भाई सब 1 प्लस x है ना, इधर वाला ना, हाँ, और ये 1 माइनस और इसका भी स्क्वायर। बड़ा गंदा कैलकुलेशन होने वाला है भाई, इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। बेटर है पहले केसी कैलकुलेट कर लो, बाद में कर लेंगे अपन आर टी। आर तो अपन को गिवन है 1/12 और टी अपन को 500 केल्विन गिवन है, और डेल्टा एन जी वो चलो अच्छा है, 900 दिया है क्या, केपी दिया हुआ है ना, टेम्परेचर थोड़ी दिया हुआ। अच्छा ओके, अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन कहेंगे सर देखो KP मतलब 900 इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। चलो अपन इसको कैलकुलेट कर भी लें इजीली, ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्यूब रूट आ रहा है सर, मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरी तरह। अपन क्या करेंगे, तो नीचे 1 माइनस 2x का स्क्वायर भी होगा ना, बट डेल्टा एन जी कैसे आया कैसे पूछ सकते हो तुम लोग, 1 प्लस 2 माइनस 2 आएगा ना डेल्टा एन जी 1, किसी को डाउट है क्या डेल्टा एन जी 1 कैसे आया? नो सर। So, अपन क्या कहेंगे, रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट।
मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया था वो सारा का सारा किस तरफ चला गया? प्रोडक्ट की तरफ। क्यों? आपने केपी बहुत ज्यादा दिया ना, ज्यादा देने का मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम। तो क्या ये जो 2x है ये क्या होगा? नियरली जीरो। अबे जीरो तो ये होगा टोटल, ये 2x नियरली 1 के बराबर होगा। यस सर। अपन जीरो नहीं बोल रहे, अपन तो नियरली 1 के बराबर बोल रहे। जीरो तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि जो रिएक्ट करेगा वो बनेगा भी, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं x is nearly, मतलब 1 minus 2x, this 2x is nearly 1 लिख लेते हैं। 2x is near to 1. So x is equal to 0.5. अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को मैं 0.5 नहीं लिख सकता इधर है, x का वैल्यू इधर लिख सकता हूं क्योंकि वो प्लस कर रहे हैं आप, तो मैं इसको क्या करूंगा 1 प्लस 0.5 900। देखना अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने क्योंकि इसको जीरो थोड़ी लिख सकते हैं, इसको 0.2 into 0.5 करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो तो आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन यहां मान लेते हैं कि भाई एक्स का वैल्यू पता क्या होगा, ऐसे होगा 0.4999 ऐसे, 0.5 नहीं हो सकता, वो केपी बड़ा है ना बहुत, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू नियरली 5 हो जाए, 0.5 हो जाए। अब देखना यहां क्या करने वाले अपन, ये 2 into 0.5 The power of 2 कर देता। अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं SO3 डाल दूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा SO3 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है वो कैलकुलेट करूंगा, मल्टीप्ल है 12 और ये 500 है। अब हो गया अपना 1.5 है, 1 है, 12 है और ये 900 है, जीरो हटा देता है, ये 1.5 आ गया अपने पास, so therefore 9 will be equal to ये 1.5, ये 1 है, ये 5 है, और डिवाइड बाय SO3 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया अपने पास, लो भाई जब SO3 का कॉन्सेंट्रेशन आ जाए मतलब आपके पास 1 minus 2x आ गया, और 1 minus 2x में से यहां से जब SO3 है तो आप इक्विलिब्रियम पे 1 minus 2x का वैल्यू आ गया, तो x कैलकुलेट करना वो इतना ही आएगा ऑलमोस्ट, कैलकुलेट करके देखो मैं करूं 4 टाइम्स 48 डिवाइड बाय √5/72 आ रहा है, √5/72 मेरे ख्याल से और भी अच्छा आता है यार, ये 1.53 हो जाएगा ना, तो 9 से कटोगे 6 हो जाएगा ना, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 9 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, और 72 डिवाइड बाय 5 72 बाय 5 बन गया ना, और रूट आ जाएगा। यस सर, किसी ने कैलकुलेट करके बताया, तो 5/72 काफी छोटा होगा। तो वैल्यू अपने पास काफी ज्यादा रिएक्ट कर गया, अपन को ये पता चल गया राइट, 0.25 अप्रोक्स ले लेते हैं ना, अप्रोक्स लेके अगर अपन देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 0.25 भी हो जाएगा। 5/72 का रूट कैसा है?
पता नहीं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये किसी ने बताया मुझे 0.25/36। हाँ मुझे भी लग रहा कि वो काफी मतलब और छोटा हो गया है, रूट लेंगे तो। तो इसका इक्विलिब्रियम आ गया, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसको तो 2x बता देंगे और इसका 1.5, सो वैसे अपन आंसर बता देंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन तो अपन ने सॉल्व करने वाले। बोलो सर, इतना एक्यूरेट चाहिए मतलब 0.62 फिर कैलकुलेशन फिर वो काफी इजी देता है। ओके सर, 900 ले लिया ना, अब मैं एडजस्ट करूंगा कि जैसे 5/72 था तो 5 कैंसिल हो जाए 72 से, तो वो 72 की जगह 70 आ जाए, मैं ऐसे कुछ कैलकुलेट करूंगा जिससे कि मतलब बच्चों को मतलब एग्जैक्ट आंसर देने में प्रॉब्लम ना जाए। 2/72 होता तो वो डायरेक्ट 1/6 हो जाता। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, मतलब अपन को ना एग्जाम में ऐसे ही करते हैं वो कि मतलब थोड़ा और इजी बना देंगे। अभी तो क्या ना रैंडमली मैं लेता जा रहा हूँ सारी चीजें जो हैं वो रैंडमली लेता जा रहा हूँ ना मैं, तो कि भाई हमें तो कंसेप्ट बताने हैं तो रैंडमली उठा रहा हूँ ना मैं नंबर्स, मुझे कंसेप्ट बताना है तो ठीक है। ये डिफरेंट केसेस थे, अब उसके बाद पढ़ेंगे अपन सीक्वेंशियल रिएक्शंस, क्योंकि अपना दो ही पार्ट इसमें बचा हुआ है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट इसमें, छोटा सा एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, वो पढ़ना होता है। ब्रेक चाहिए? यस सर, ले लेते हैं, चलो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ मैं। हो रहा है 85 पे आता हूँ मैं।
मुझे लगा मैं जल्दी से डिनर कर लूंगा, मैंने डिनर कर भी लिया मैंने, तो चलो पढ़ते आके हैं। तुम लोग भी खा पी लिए हो गए यार कुछ। मैं बोल रहा था कि भाई देख, अगर अपन कितना भी पढ़े मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो नए मिलते रहते हैं, लेकिन मतलब मैं चाहूंगा कि कुछ इक्विलिब्रियम अपन को पता है क्या होता है, आप अपने आप भी सोचो कुछ क्वेश्चंस पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिस्टेंस का रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं करवा चुका हूँ आपको जो नए कंसेप्ट होते हैं। अब अपन इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अपन को बात करनी चाहिए साइमल्टेनियस रिएक्शन। When the same reactant is used, मतलब simultaneous reaction क्या होता है, अपन क्या समझे उससे simultaneous reaction से? When the same reactant is used in more than one reaction. तो अपन उसे कहते हैं sequential reaction। अगेन ना रिएक्शन कोई भी हो इक्विलिब्रियम तो लिखना ही पड़ेगा, बस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लिखना आना चाहिए अपन को, इक्विलिब्रियम कैसे लिखना है वही मेन पार्ट है बस। ठीक है देख लेते हैं। नहीं मैंने तो लॉक किया ही नहीं मीटिंग को, मीटिंग तो ओपन है। एक मिनट रुकना। ठीक है लेकिन मैंने वेटिंग तो किया ही नहीं। अच्छा वेटिंग रूम है, लॉक कर दिया वेटिंग रूम है। ठीक है और रिकॉर्डिंग पॉज्ड है, रिज्यूम कर दूं। ठीक है तो सी अपन क्या करेंगे साइमल्टेनियस रिएक्शन में, अब अगेन रिएक्शन को ही लिखना आना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं है ना, एक एग्जांपल लिखते हैं अपन। सो टू मोल्स ऑफ ए एंड थ्री मोल्स ऑफ बी रिएक्ट्स B is added in the vessel. अब वेसल का वॉल्यूम देता तो आपको पता है क्या करना होता है। And reacts according to the reaction. तो अपन कहेंगे देख A plus 2B और react करके बनाता है, suppose करते हैं AB2। और एक बार ए एक और बार रिएक्ट करता है उसमें ए प्लस सी रिएक्ट्स टू गिव डी, दोनों रिएक्शन का के सी वन इसके लिए है के सी टू इसके लिए। पहले अपन क्या करेंगे एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ए के मोल्स मुझे गिवन है टू और बी के मोल्स मुझे गिवन है थ्री और ये है जीरो। इसके मोल्स बने एक्स तो ये रिएक्ट करेगा माइनस टू और ये रिएक्ट करेगा माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम पे ए कितना बचेगा, पे इनिशियली टू था रिएक्ट किया तो एट इक्विलिब्रियम अपन को पता है ये टू माइनस एक्स होगा, ये थ्री माइनस एक्स होगा और ये एक्स राइट। देख भाई एक बात ध्यान रखना, अपन ने चैप्टर शुरू करने के पहले लिखा था देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट इन केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस,
भाई इक्विलिब्रियम में जो रिएक्ट करेगा वो बनेगा, इसलिए लिमिटिंग रीजन की आप बात नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना सब लोग, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि भाई किसी एक को, सब लोग। अब अपन कहेंगे ए तो यहां यूज हो रहा है एक्स मोल्स और यहां भी यूज होगा ए। अब यहां पर अपने पास मान लो, तो मान लेते हैं अपन की इनिशियल ए के 2-x मोल्स, इसके मोल्स नहीं गिवन है, चलो अपन लिख लेते हैं कि ये ए मोल्स है, कुछ भी मतलब हो सकता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, इसके ए मोल्स है, ये जीरो। अब जब ये रिएक्शन होगा तो इसके वाई मोल्स बनेंगे 2y मोलर कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो ये ए माइनस वाई होगा और ये होगा 2-x, तो इनिशियली तो वाई मोल्स इसके भी रिएक्ट कर गए, तो ए के मोल्स वेसल में क्या होंगे, तो अपन कहेंगे देख ए मेरे पास एक बार बी से रिएक्ट कर रहा है और एक बार सी से रिएक्ट कर रहा है, इनिशियली 2 मोल्स थे, इस रिएक्शन में एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में इधर वाले रिएक्शन में वाई मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो ए के कितने मोल्स बचेंगे इक्विलिब्रियम में वेसल के अंदर 2-x-y, तो अपन को जो भी कॉमन होते ना इसमें और इसमें जो यहाँ पर बचेगा लास्ट में वो अपन को सभी जगह करना, यहाँ भी अपन को कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर भी अपन को उसको एडजस्ट करना होता है कि एक्स मोल इस रिएक्शन में यूज हुआ था, वाई मोल इस रिएक्शन में यूज हुआ है, तो वेसल के अंदर कहीं भी अगर आप ए के मोल्स लिखोगे तो मुझे 2-x-y लिखना पड़ेगा एटिकली, बस यही चीज अपन को इधर क्वेश्चन में आनी चाहिए। अरे ये वाई वाली चीज वापस बताइए ना। बताऊंगा ना, इसलिए तो साइड में दूसरा लिखा कि एक बार और बताना है ना, फिर से बता देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं और फिर से बताता हूं, पूरा हटा देता हूं मैं, मैंने पूरा हटा दिया। अब पहले एक बार वैसे लिख लेते हैं जैसे अभी लिखा था ना मैंने, ए रिएक्ट विद 2b टू फॉर्म ab2, A reacts with C to form 2D. A के इनिशियली मेरे पास 2 moles और इसके 3 moles. अगर इसका मोलर कोएफिशिएंट के हिसाब से x मोल बनेगा तो इसका -2x होगा और इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मोलर कोएफिशिएंट 1 है, तो 2-x. मतलब इस रिएक्शन में अगर सिर्फ ये इक्विलिब्रियम होता तो अपन ऐसे लिखते, लेकिन ए एक्स मोल वहां रिएक्ट कर रहा है और वाई मोल यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2y बनेगा, तो सी के ए माइनस वाई कर दिया अपन ने, तो इधर वाई मोल्स बनाना, तो ए कितना बचेगा कंटेनर के अंदर, कितना बचेगा कंटेनर के अंदर, तो अपन कहेंगे पहले ये बता दो कि यहाँ कितना रिएक्ट करवाया और यहाँ कितना रिएक्ट करवाया, बाकी जो बचा है वो ए का कंसंट्रेशन ए के मोल्स होंगे वेसल के अंदर। अगर दोनों ही रिएक्शन एक ही वेसल में हो रहे हैं तो एक ही वेसल में किसी एक ही रिएक्टेंट के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो सकते हैं, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। हाँ सर समझा। अगर ये x बनेगा तो ये 3-2x हो जाएगा, ये 2-y हो जाएगा, 2-x हो जाएगा। अब x तो यहाँ रिएक्ट किया ना, a तो यहाँ भी रिएक्ट कर रहा है, तो भाई इनिशियली 2-x हो गया, इसके अपन ने ए मोल्स लिए, तो अगर ये 2y बनेगा तो ये -y होगा, मोलर कोएफिशिएंट के हिसाब से ये -y होगा, तो a का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, x यहाँ रिएक्ट कर गया भाई यहाँ, तो a माइनस ये बच गया, तो KC1 आ जाएगा x अपॉन 2-x-y into 3-x, 2x to the power of 2 ये आ जाएगा, और KC2 कितना आ जाएगा, तो अपन कहेंगे 2y to the power of 2 divided by ये हो जाएगा a, that is 2-x-y a minus y। अब डाटा दो तो कैलकुलेशन कर देते हैं, अब तुम लोग लिख के बताओगे, एक
अब ऐसे वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ, इनिशियल मास दे दूंगा आपको। मेरे पास x प्लस टू वाई गिवन है। अब x और y अपन वैसे ले लेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन में, तो फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ए बी सी डी ही ले लेते हैं। सो ट्वाइस ऑफ ए इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। गुड, ए टू कैसी बात, इसका थ्री मोल्स लिया हमने और एक बार बी के साथ रिएक्ट करके ए इक्विलिब्रियम बनाता है ट्वाइस ऑफ ए बी टू कर देता हूं। इसके लिए कैसे इसके बन बोल लिया मैंने, सो थ्री मोल ऑफ ए प्लस मिक्स विद वन मोल ऑफ बी, वन मोल ऑफ बी तुम लोगों को बताना है कैसे लिखो। तुम लोग लिखो जी भाइयों, हो गया? हाँ सर। मैं लिखूं इधर? यस। इसका थ्री माइनस एक्स आ रहा है मेरे पास और ये वाला एक्स बाय टू आ रहा है मेरे पास। कोई डाउट है? सर थ्री माइनस टू एक्स ले लेते हैं ना। तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी yes. मैं ऐसे करूंगा, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। ऐसे लिखोगे तो ये गलत नहीं है बेटा, बस मैंने तो जानबूझ के ऐसे लिखा। अच्छा ओके, सबने ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। हमने रिएक्शन थोड़ी चेंज किया कि अपन ने इसको वन कर दिया, इसको वन बाय टू कर दिया, हम तो कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, रिएक्शन तो वही है मेरे पास, ठीक है ना। अपन कर सकते हैं ऐसा। अब यहां पर अपने पास हो जाएगा थ्री माइनस एक्स, मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। किसी को डाउट नहीं ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसे लिखोगे तो मैं यहां पर लिख लूंगा थ्री माइनस टू एक्स है, यहां पर अब मैं वाई लिखूंगा, तो यहां पर माइनस टू वाई लिखूंगा, तो यहां पर माइनस वाई लिखूंगा, तो यहां पर मैं माइनस वाई करूंगा। अगर आप 2x लिखते ये तो मैं यहां पर माइनस वाई कर देता। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। सबको लिखना आ गया?
यस सर। फिर अपन एक मतलब मैं इसमें अब पता क्या होगा, जैसे अपन को किसी एक तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा, अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में जिससे कि अपन को एक्स और वाई पता चल जाए, ये तो केसी गिवन होगा और एक डाटा और गिवन होगा। अगर अपन को केसी वन गिवन है तो एक्स गिवन होगा तो वाई अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वाई कैलकुलेट करेंगे तो इधर बता देंगे। मतलब अपन को कुछ ना कुछ ऐसे डाटा गिवन होता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है अपन से कहा जाए कि भाई मैंने मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा है, मान लो अपन से कहा गया कि एक सॉलिड है ये और ये डिकम्पोज होके बी गैस प्लस सी गैस बनाता है, इसके लिए मुझे केपी गिवन है 9 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। और एक और दूसरा सॉलिड है वेजल के अंदर, एक और दूसरा सॉलिड है वेजल के अंदर, उसी वेजल के अंदर, और ये भी डिकम्पोज करके इक्विलिब्रियम में है, ये भी बी बनाता है और एक ई गैस बनाता है। दो सेम गैस हो सकते हैं क्योंकि देयर आर मेनी रिएक्शन जिसमें सेम टाइप का गैस निकलता है, और एक प्रोडक्ट अलग ले लिया अपन ने, तो इसके लिए मुझे केपी गिवन है सपोज करते हैं अपन 50। अब मुझसे कहा गया अपन क्या करेंगे इसमें कि देख भाई एक ही तरफ प्रेशर है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वेसल में, एक ही वेसल में, तो अगर इसका प्रेशर एक्स ले लें और इसका भी प्रेशर, क्योंकि दोनों का प्रेशर एक जैसा होगा, और इसका प्रेशर वाई हो और इसका भी प्रेशर वाई हो, ये इसके डिकम्पोजिशन से अगर मान लो अलग अलग वेसल में, तो ये एक्स आता है, ये एक्स आता है, ये वाई आता है, ये वाई आता है। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, अब दोनों को अपन मिक्स कर देते हैं। अब अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली बात है बी का प्रेशर तो एक ही होना चाहिए ना वेसल में। तो मान लेते हैं कि जब ये साइमल्टेनियसली एक साथ हुए ना, साइमल्टेनियसली एक ही वेसल में, तो कुछ बी यहां से आया, कुछ बी यहां से आया, सपोज कर लेते हैं एक्स यहां से आया और वाई यहां से आया, तो जितना बी आएगा उतना सी भी आएगा, जितना यहां भी आएगा उतना ई भी आएगा, बी यहां से भी आया, बी यहां से भी आया, तो टोटल बी कितना हो जाएगा, वैसे में तो एक ही होना चाहिए ना ऐसा। अब तो बड़ा इजी है भाई, मेरे पास एक केपी वन हो गया That is equal to x plus y into x आ गया, एक इक्वेशन ये बन गया, और एक इक्वेशन ये बन गया कि kp2 is equal to that is x plus y into y, दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को इसको ना kp1 और kp2 को डिवाइड कर दो, x plus y तो कैंसिल हो गया, x upon y आ गया, x upon y आ गया अपने पास, तो सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे x और y का वैल्यू, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y आ गया ना, kp तो अपन को गिवन है, तो कैलकुलेट कर, अरे साइमल्टेनियस इक्वेशन अपन को दो सॉल्व करने हैं, kp गिवन है, हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो अगर पार्शियल इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में पता क्या पूछेंगे अपन से, टोटल प्रेशर बताओ वेसल का कितना, तो अपन कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब दो बार x प्लस y। अब दो बार थोड़ी काउंट करेंगे b को, एक ही बार तो काउंट करोगे, तभी तो x प्लस y किया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया। सर यहाँ पे kp1 9 है ना और kp2 15 है, हाँ तभी तो अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सर आप वो आवाज बताइए ना कि आपको सी एक्स कैसे, मतलब सी आपने एक्स अज्यूम कर दिया और ई वाई, हाँ मतलब जितना ये एक्स है और ये एक्स बनेगा, ये वाई है और ये वाई बनेगा जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो टोटल बी कितना आया, तो अपन कहेंगे एक्स यहां से आया वाई यहां से आया, अब जितना बी यहां से आएगा उतना ही तो सी आएगा, जितना बी यहां से आएगा उतना ही तो ई आएगा, लेकिन दोनों इक्वल थोड़ी आएंगे कि यहां से भी एक्स आएगा और यहां से भी एक्स आएगा, नहीं दोनों सॉलिड एक जैसे थोड़ी है, अलग अलग है, केपी भी अलग अलग है,
केपी को देख के मैं बता सकता हूँ डी ज्यादा डिसोसिएट होता है ए के कंपैरिजन में, ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है। किसी को डाउट है? तो फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन ले लेता हूं। NO2 and NO are mixed in the ratio of 2:1. According to reactions, मेरे पास reaction है। ये पूछना था, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज 1.7 एटमॉस्फेयर एंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0, then calculate KP. अब अपन क्या करेंगे? अब रिएक्शन सिंस मैंने इधर को लिखा हुआ है ना, रिएक्शन थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि मैं यही अपना काम कर लूंगा, यही मतलब लिख दूंगा मैं KP काम कर लूंगा, मतलब ये सभी गैसेस ड्रॉप है। अब देख सर, यहां पर आपने मोलर रेशियो दिया और आप पूछ रहे हो केपी, ये प्रेशर रेशियो बनाना पड़ेगा मुझे, तो सबसे पहला काम तो मुझे यही करना पड़ेगा कि NO का प्रेशर 2 पे ले लेता हूं और इसका प्रेशर 2 ले लेता हूं। मोलर रेशियो इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का रेशियो है ना, वैसे करना चाहिए भाई। देखो अगर डाउट होगा तो तुमको बोलना है, हमको समझ में नहीं आया आप वापस बोलो, 10 बार बोलोगे मैं 10 बार बोलूंगा, समझ में तुमको आना चाहिए तभी एग्जाम में अपन कर पाए। और वैसे भी क्वेश्चंस करना और ऐसे समझना थोड़ा इजी होता है, समझना इजी होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है सभी बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम जाए तो आप ऑफलाइन में क्लास में आना कंपलसरी है, मैं तुरंत देख के बता दूंगा मैं कि तुम क्या गलती कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, है ना। इसलिए क्वेश्चन को बताना ऐसे और स्टूडेंट से करवाना दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप क्वेश्चन ना आए अटेम्प्ट करना नहीं आता है तो अभी बता देना क्योंकि अपन के पास थोड़ा अभी टाइम है, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना कंसेप्ट, पहले तो सब बैलेंसिंग करो, सब कुछ बैलेंस है। अब रिएक्शन लिखेगा सर, नीचे वाले NO2 को हम 2P प्रेशर नहीं देंगे, इस वाले को Yes, sir. लेंगे ना, लेकिन अपन ने कहा था क्या, पहले अपन एक को बैलेंस कर लें बाद में इधर लेके इसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसे कर रहे थे ना अपन। अच्छा ओके सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मान लो ये x बना तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए ना? Yes, sir. अब ये 2p माइनस x इधर है, 2x इधर है, तो अगर ये y बनेगा तो ये माइनस y होगा,
इसमें किसी को डाउट है क्या लिखने में? अगर है तो अभी बताओ, मैं वापस हटा के फिर से लिखूंगा। किसी को डाउट नहीं, ठीक है। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ये डाटा के बिना मैं शुरू करता हूं। मुझे ये पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर लिखना है मुझे। मुझे KP1 गिवन है 6.8 और ये 1.7। मेरे ख्याल से तुमको साफ साफ दिख रहा है कि सर आपने कैलकुलेशन के लिए बड़े अच्छे नंबर लिए हुए, 1/4 आ रहा है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर इज 1/4, मतलब 1/2 आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, 0.5 आ गया। तो मेरे पास y का वैल्यू, x का वैल्यू 0.5 आ गया। x क्यों आया? तो गलत होगा, x का वैल्यू तो मुझे गिवन ही था। तो मुझे गिवन था 1.7 एटमॉस्फेयर। मुझे क्या पता चल गया, 2p-2x-y यही है ना। किसी को डाउट है तो बोलो। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डाटा देखते हैं और क्या गिवन है, क्योंकि मुझे दो इक्वेशन मिल जाए बस मेरा काम हो जाए। मुझे एक्स पता चल गया इसमें से, मुझे बस एक और इक्वेशन मिल जाएगा ना पी और वाई के टर्म में, मेरा काम हो जाएगा। मुझे क्या गिवन है, टोटल प्रेशर, ना टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम एक्स इज, वो कह रहा है कि एक्स 1.5 कैसे, एक बार बता दें अपन उसको। लिखा ना अपन ने, वही तो लिखा यहाँ पे, है ना। अगर कोई डाउट आएगा तो पूछना है। अब टोटल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, कौन कौन से गैसेस हैं भाई इसमें, NO2 है, N2O4 है, N2O4 है, NO2 तो लिख चुका हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO plus partial pressure of N2O3 and that is equal to 5.05. but the partial pressure of NO2 kitna hai, kitna aaya tha apne paas 0.5, N2O4 1.7 na, x given na, to NO p minus y aur ye y, ye to bada acha question equation ban gaya। ये तो यार अपना काम ही हो गया, ये देखो तो P आ गया अपने पास सीधा, ये हो गया अपने पास 2.2, सो 5.05 - 2.2 फिर तो मेरा काम ही हो गया भाई। इसमें X मुझे पता था, P मुझे पता है, Y आ गया। ओके ना, वाई आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू, 2p-2x-y इज इक्वल टू 0.5। 2p कितना है मेरे पास, 2 × 8.5। टू इंटू 1.7 - y इज इक्वल टू 0.5। कितना आया ये,
1.3 में से 0.5 भी माइनस 1.8 ना लो भाई अपना KP2 कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 N2O3 y है 1.8 हो गया NO2 is कितना आ रहा था अपने पास 0.5 ना या निकाला था ना अपने 0.5 और NO कितना निकाला अपने NO is P minus y ना P is 2.85 और ये है 1.8 3.5 एटमॉस्फेयर के आसपास हमें ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कई बार ऐसे भी होता है कि मैं मतलब आपको ना एक्सट्रीम इससे अच्छा क्वेश्चन शायद ही पूछ सकते हैं से इससे अच्छे क्वेश्चन तो पूछेंगे एग्जांपल राइट या समझ में आया तो ये होता है साइमल्टेनियस रिएक्शन अपन को ये वाले पार्ट लिखने आने चाहिए अच्छे से अगर ये आते हैं तो फिर कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम में ना उनको कुछ फॉर्मूले मतलब इनिशियली पढ़ने होते हैं तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि अपन केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे मतलब अज्यूम करेंगे अब इसमें जब अपन को कैलकुलेट करना होता है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को तो पहले मैं लिख लेता हूं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स एक तो अपन को फ्री एनर्जी पढ़ना होता है मैं उसे जी से डिनोट करूंगा दूसरा अपन को एंथैल्पी पढ़ना होता है थोड़ा सा आपको आइडिया है कि एंथैल्पी आपने पढ़ाया हुआ है जिसमें आपने कहा था कि द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज एक्सप्लेन बाय एंथैल्पी एक अपन को पढ़ना होता है एंट्रोपी इसको एस से डिनोट करते हैं ये तीन पैरामीटर्स होते हैं ठीक है सर फ्री एनर्जी क्या बताया आपने फ्री एनर्जी एंथैल्पी और एंट्रोपी ये नया चैप्टर नहीं है ये लास्ट पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा अपन को फॉर्मूला याद रखने बस लेकिन अगर आइडिया होगा फॉर्मूले के बारे में तो ज्यादा अच्छा होगा तो अपन क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्योंकि अपन ना कभी जी का एग्जिट वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते एच का एग्जिट वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना ही अपन एस का एग्जिट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते इसलिए हमेशा अपन चेंज पढ़ते हैं चेंज इन डेल्टा जी टेन चेंज इन डेल्टा एच एंड टेन चेंज इन डेल्टा एस ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हो जाता है
स्टैंडर्ड का मतलब होता है एट 298 केल्विन। ये नॉट लगाने का मतलब है 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर। और सबके सब जैसे अपन ने डेल्टा एच लिखा था ना, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ ईच प्रोडक्ट, मैंने आपको ये बताया था, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ ईच रिएक्टेंट। ऐसे ये भी होता है, समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ ईच रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ ईच रिएक्टेंट। ऐसे डेल्टा एस भी होता है, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डेल्टा एस गिवन होता है हर एक का, समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ ईच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एस नॉट ऑफ ईच रिएक्टेंट। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल लेता हूं, N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of NH3. तो अगर मान लो डेल्टा जी नॉट लिखना है या डेल्टा एच नॉट लिखना है, लाइक दैट मैंने जो पहले डेल्टा एच नॉट आपको बताया वो बता देता हूं। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, H2 and NH3 are given. और ये सारे values अपन ना हमेशा पर मोल के लिए पढ़ते हैं, एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ सकते। Then delta H not for the reaction. Two into delta H of formation. मैंने आपको lattice energy में बताया what is delta H not of formation. भाई एक मोल के लिए गिवन होगा क्योंकि वो पर मोल गिवन होता है, तो दो मोल के लिए कितना हो जाएगा, और समेशन इसलिए तो लिख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट माइनस N2, तो एक ही मोल है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। ये अमोनिया के लिए था, मैं अमोनिया भी लिखना चाहता हूँ कि किसका बता रहे हो आप, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। सर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, इसलिए तो बताया, वरना तो ये लिखा ही था ना, ताकि अपन को पता रहे कि अपन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। डेल्टा एच विल बी गिवन फॉर पर मोल, ऑलवेज गिवन फॉर वन। तो ये अपन को वन मोल के लिए गिवन होता है। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है ना, इट इज इक्वल टू जीरो। एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, मतलब मुझे यहां भी जीरो लिखना है, यहां भी जीरो लिखना है फॉर्मेशन, क्योंकि एलिमेंट का फॉर्मेशन थोड़ी होता है, वो तो अपने आप एग्जिस्ट करता है, हम एलिमेंट थोड़ी बनाते कभी, तो उसका फॉर्मेशन हमेशा जीरो होता है क्योंकि एलिमेंट तो एलिमेंटल फॉर्म में हमको एग्जिस्ट करता है। तो N2 इज एलिमेंट, देन इट इज जीरो, वो अपन को गिवन नहीं होगा फिर क्वेश्चन में, ये भी गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो फॉर एलिमेंट। बट नॉट डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, मतलब ऐसे नहीं करना कि अच्छा सर ने डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी जीरो बताया था, तो चलो डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट भी कर देते हैं।
ये वाला पार्ट ना, इसमें बहुत सारे रिएक्शन और बहुत सारा पार्ट, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर है, अपन सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम पे स्टिक करके रहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इक्विलिब्रियम तो बताना ही, तो भाई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन के रिएक्शन तो बताना ही पड़ेगा आपको। सर वो बॉटम राइट कॉर्नर में क्या लिखा है? किसके नीचे? बॉट का लास्ट लाइन। अच्छा इधर ना, नॉट है क्या वो? बट नॉट डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, मतलब डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट इज जीरो बट नॉट द डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा एस नॉट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा जी नॉट और एस नॉट एलिमेंट के लिए जीरो नहीं होते। According to Gibson, the free energy, इसलिए अपन इसको Gibbs free energy भी बोलते हैं, इसने explanation दिया था, is वो क्या लिखा है Gibbs के बाद? Helmholtz, वो उसका नाम है। The free energy is also called as Gibbs free energy. And is related to Delta H and Delta S as मैं इस पार्ट हटा देता हूँ, कैसे कोरिलेट होता है वो देख लेते हैं। Delta G not is equal to होता है Delta H not minus T Delta S not. Where T is the temperature. ये जो डेल्टा एच नॉट है ना, signifies the total energy present with any process or any system. किसी भी प्रोसेस के पास टोटल एनर्जी कितनी है वो डेल्टा एच नॉट सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज द एनर्जी विद द सिस्टम इन डिसऑर्डर। एक्चुअली जो एंट्रोपी होता है ना वो डिसऑर्डरनेस को सिग्निफाई करता है। बिल्कुल, एलिमेंट में कोई प्रोसेस नहीं होता ना उनके फॉर्मेशन के लिए, इसलिए अपन उसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन से रहता है। This part signifies entropy जो होता है वो disorderness को signify करता है। तो T delta S not is the energy with the system in disorder manner. Which can but cannot be used. Used to do the useful work. डिसऑर्डर क्या लिखा है? डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस।
फिर उसके बाद क्या लिखा है? डिसऑर्डर मैनर सर, मतलब जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी भी होगा। बिल्कुल। तो फ्री एनर्जी सिग्निफाइज द एनर्जी प्रेजेंट विथ एनी सिस्टम, द एनर्जी प्रेजेंट विथ एनी सिस्टम विथ एनी सिस्टम इन ऑर्डरली मैनर। Which can be used to do the useful work. So, अपन को ये पता चल गया कि H signify करता है the total energy present with this process or system। ये disorder manner में energy है, minus करेंगे ordered manner, मतलब total energy से disorder वाला energy minus कर दो तो order वाला energy आएगा, और ordered energy से ही अपन work done कर सकते हैं। ये disorder और order manner क्या है? एक अच्छे बच्चे के अच्छे मैनर्स होते हैं जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। अच्छा सुन, जैसे मान लेते हैं अपन किसी हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें अपन एक टरबाइन को रोटेट करने के लिए है ना, उस पर वाटरफॉल करवाते हैं। अपन ने वाटर को ना 10,000 लीटर्स किया जो अपन को एक बार में फॉल करवाना है, लेकिन कुछ वाटर तो उड़ जाता है, कुछ इधर उधर छोटे और छोटे उससे चला जाता है, इधर उधर छोटे छोटे फॉल्स बना लेता है। मान लो 1,000 लीटर वेस्ट हो गया तो डिसऑर्डर वे में इधर उधर चला गया, तो एक्चुअल में अपन ने वर्क डन किससे किया? 9,000 लीटर से। अच्छा ओके समझा, तो अपन ने तो 10,000 किया था, ये डिसऑर्डर है तो अपन ने इससे किया, तो उस टाइप से अपन समझ सकते हैं। अभी टेम्परेचर वगैरह रहने देते हैं ना, तो मतलब अभी टेम्परेचर ये वो सब सारी चीजें अपन रुक जाते हैं अभी, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अपन स्टिक रहते हैं ना। अब देख, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी, और डेल्टा जी आपने क्या लिखा है? आर टी, आर टी ये लॉग बेस ई है एल एन, और ये होगा एलन ऑफ क्यू सी। एक मिनट रुकना है, तो अपन क्या करेंगे ना, डेल्टा जी नॉट ये होता है, डेल्टा जी ये होता है एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो
and del, not delta u naught. Delta g is equal to 0 and not delta g naught. तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे मेजर्ड होता है, डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे। अब ना एक काम करते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन एक तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो उससे आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में अपन को होमवर्क भी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर दो क्लास हुआ तो आयनिक शुरू करूंगा। आयनिक क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा अपन को ओसी भी शुरू करनी है। सो ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक सर पहले बोले लीजिए ना थोड़ा। अपन एक काम करते हैं, पहले ओसी जैसे पहले ओसी सर, क्योंकि एग्जाम्स में भी आ रहा है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, संडेज को अपन, संडे को ना तुम्हारा यूनिट टेस्ट होता है ना, तो संडे को एक क्लास लगाते हैं जिसमें सारे बच्चों को ओसी एक साथ शुरू करता हूं। चलेगा सर? ओके सर, है ना? क्योंकि ओसी नहीं तो फिर क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट ईयर अगर शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ईयर जो है ना मॉर्निंग वाला बैच, इनका आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह सब खत्म, इनका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म होने वाला है, इतने इनका तो बहुत सारा हो जाएगा, मुझे लगता 40% तो उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा इस साल में, अपना तो शुरू भी नहीं हो पाएगा फिर। मतलब संडे के दिन उसी करेंगे और हफ्ते के बाकी दिन कोई और चल। हाँ, मेरा मतलब ये है, तो अपना थोड़ा थोड़ा ओसी भी चलता रहेगा ना साथ में, और जब अपन को लगेगा कि आयने के इक्विलिब्रियम के बाद अपना काफी हो गया फिजिकल, तो फिर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आध महीने कंटिन्यूसली पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ा क्लास भी होता है तो भी चलता है, 3-4 घंटे का क्लास भी चलता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मुझे ही बताना होता है, तुम लोगों को ज्यादा समझना नहीं होता है, कैसे सॉल्व करना है वो मुझे ही बताना होता है। तो ऑफलाइन जब शुरू होगा तब आप अच्छे से ले लीजिए। चलेगा, तब भी चलेगा, लेकिन अपन को वीक में एक दिन पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन 4 घंटे। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, चलेगा। चलो फिर अपन उसको मैनेज करेंगे कैसे करना है।